Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं कुकिंग विद आपा चैनल। आज हम बनाएंगे आलू वाले समोसे। सात आलू लिए, इन्हें जो है उबाल के इनका छिलका उतार लिया, इन्हें ठंडा कर लिया है। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे 3 से 4 चम्मच। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा डालेंगे। वन टीस्पून इसमें अब हम खुश्क धनिया डालेंगे, साबुत खुश्क धनिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे।
1 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे। नमक इसलिए कम डालना है क्योंकि समोसा पट्टी में पहले से नमक मौजूद होता है। चम्मच चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसमें आलू मैश किए हुए डाल देंगे। चम्मच से इसे मसाले के अंदर आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने अब लो कर दिया है ताकि मसाला हमारा पेंदे में चिपके ना। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और मसाले को अब हम ठंडा कर लेंगे। आइए अब समोसा पट्टी की फिलिंग कर लेते हैं। आलू का मेज़ा हमारा तैयार हो गया है। एक प्लेट में हमने थोड़ा सा आटा लेकर उसको पानी के साथ पेस्ट बना लिया है और समोसा पट्टी है हमारे पास। ये आटे का पेस्ट हमने जो बनाया है इससे हमने पट्टी को जो है जोड़ लेना है।
समोसा पट्टी को पहले मसल्स की शेप देंगे, फिर उसे फोल्ड कर लेंगे दो बार। इसका ये पैकेट सा बन जाएगा। इसमें आलू का मेज़ा डाल देंगे। और इसको आटे की मदद से ऐसे जोड़ लेंगे। माशाअल्लाह कितने प्यारे समोसे तैयार हो गए हैं। समोसे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे, इसे अच्छी तरह हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब फ्लेम हम स्लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसमें समोसे डालेंगे ताकि ऑयल जो है वो हाथ पर ना लगे।
फ्लेम जो है बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड से ये गोल्डन हो जाए तो इसको स्टेनर की मदद से पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी जो है अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। फ्लेम हमने लो ही रखना है। समोसे दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं, आप इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें बाकी समोसे डाल देंगे फ्राई होने के लिए। समोसे फ्राई हो चुके हैं।
माशाल्लाह हमारे समोसे तमाम जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें केचप के साथ सर्व कर देते हैं और साथ हमने कोल्ड ड्रिंक भी रखी है। इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।